नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमित और इस समय हमारे साथ हैं ऑटो चालक और इनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या हरिद्वार में काम हो रहे हैं और 2022 में विधानसभा चुनाव में कौन सी सरकार आने वाली है। भैया आपका नाम? अर्जुन भारद्वाज। आपका नाम? आशीष शर्मा। आपका नाम? बिरारपाल सिंह। क्या लगता है 2022 में कौन जीतने वाली है? देखो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कह सकते, अभी फिलहाल कोई ऐसा, अभी जब निकलेंगे बाहर निकलेंगे पता चले किसी कितनी जोड़ है। अच्छा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने कितना काम करा है? जो काम तो किया है ये कि बाकी थोड़ी महंगाई है। अच्छा, महंगाई है। हाँ जी, काम तो किया है। आप क्या कहेंगे? नहीं, काम तो बीजेपी ने किया है वैसे। हाँ, पर महंगाई तो काफ़ी ज़्यादा, आप हद से बढ़ के महंगाई है, सर के ऊपर से निकल जाती है महंगाई ऐसी है। अच्छा, आप भैया? महंगाई तो आप बोल रही है, देखो आप जैसे देख ही रहे हो। अच्छा, हर चीज़ में महंगाई है। रोड के निर्माण होने से क्या हो चाहिए, रोड तो बंदा थोड़ा खाएगा। दाल रोटी में तो सब्जी है, आपके तेल है और भी चीज़ है, जैसे ऐसी चीज़ें बहुत महंगाई कर रही है। अच्छा भैया, आप ऑटो चलाते रहते हैं तो कितनी परेशानी या सुविधाएँ हो रही है आप लोगों को? देखो सुविधा तो चलने में गाली गुली तो खाने में मिलता ही है, लाइन ही ऐसी हमारी ऐसी टेम्पो वालों की। अच्छा, गालियाँ क्यों? अब क्यों, कोई भी बोल दे अरे तूने ऐसे कैसे रोक दिया गाड़ी। हाँ, इधर क्यों चल रहा। हाँ, साइकिल वाला तो बोल दे, टेम्पो वाला को तो बेकदरी रख करके रखते हैं ये, उनकी कोई इज्जत ही नहीं है टेम्पो वालों की। तो हल्का सा भीड़ हो जाए तो टेम्पो बाहर का शहर से बाहर ही कर दे, अंदर नहीं घुसने देते। अच्छा, महंगाई से कितनी परेशान है आप? पेट्रोल डीजल परेशानी तो, गैस सिलेंडर तेल होगा अपना, मिट्टी के तेल डीजल सब इस चीज़ से सभी परेशान है। अच्छा, हाँ जी, जहाँ डीजल हम 300 में भरते थे आज 700-800 रुपये का डीजल भर देते हैं, कम से 500-600 डीजल ही है मिनिमम। तो 2022 में आपको किसको वोट करेंगे आप? देखो वोट तो फिलहाल अभी बता नहीं सकता मैं। अच्छा, हाँ बता नहीं सकते? नहीं, जिसका होगा दे देंगे। तो इस बार बदलाव चाहेंगे या नहीं? बदलाव तो चाहेंगे जी। अच्छा, बीजेपी को नहीं जाएगा वोट? नहीं, बीजेपी को तो नहीं जाएगी। आप क्या कहेंगे? बीजेपी को तो वोट देना ही नहीं है पहले बात तो। अच्छा, देके भी करना है क्या जब निर्माण ही नहीं होना हमारा कभी जिंदगी में? क्योंकि हम तो देखते आ रहे, कई साल से ही देखते आ रहे बीजेपी सरकार को। हाँ, निर्माण तो हमारा हुआ ही नहीं। अच्छा, तो ऐसे नहीं चाहते कि हमारा निर्माण हो, हमारे भाइयों का भी निर्माण हो, सबका निर्माण हो, हमारी तरफ से कहने का मतलब ये है। सरकार चाहिए हम ऐसी जो हर एक बंदे, गरीब बंदे को भी देखे और अमीर को भी देखे। अच्छा, यानी एक आँख से सब सबको देखे। अच्छा, ये नहीं है कि आपको अलग देख लिया, मेरे को अलग देख लिया, तो ये बेकार वाली बात है, बेफिजूल की। अच्छा, तो हमें सरकार तो ऐसी चाहिए अच्छी सी जो उत्तराखंड में बने, जो हर एक बंदे को देखे। तो क्या आस किससे, कांग्रेस से या नई जो पार्टी आ रही है आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी तो केजरीवाल की है वो भी। हाँ हाँ, तो मतलब पार्टी तो देखो एक तरफ से देखी जाती है तो केजरीवाल जी ने दिल्ली में तो काफ़ी अच्छा काम किया है। तो अभी तो उनके बारे में तो चर्चा तो है ही है, उत्तराखंड में तो अभी जब तक आते नहीं, जब तक जब आएंगे तभी तो बदलेगा उनके बारे में भी, ऐसी बात तो है नहीं है। अच्छा, तो लगता है कि आम आदमी पार्टी जीत पाएगी उत्तराखंड में? क्यों नहीं जीतेगी, जब सारे भाई चाहेंगे तो सभी जीतेगी। अच्छा, हमारे देने अकेले से थोड़ा वोट जीत जाएगी, जब सारे मिलके देंगे उन्हें वोट तो जीतेगी केजरीवाल जी की सरकार, ऐसी तो है नहीं है। अच्छा, जब मदन कौशिक जी जीत सकते हैं तो हमारे बदलो थोड़ा जीते हैं, वो सबके बदलो तो जीते हैं। अब भाई अकेला हम ही जिता रहे हैं उन्हें, भाई हमारी भाइयों की भी सहायता रहती है, ऐसी बात ही नहीं उसमें। तो बस यही बात है। आपका वोट किसको जाएगा? हमारा वोट तो केजरीवाल को जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि जैसे कि मैं रहने वाला वैसे दिल्ली का हूँ, मेरे घर के उधर उन्होंने 300 यूनिट के हिसाब से जो बिजली का बिल हमारा आता है वो फ्री है, मतलब जिस हिसाब से हमारा बिल आता है वो फ्री है। वहाँ गैस के दाम भी कम है, रोड पे लेडीज़ जो लेडीज़ चलती हैं और जैसे आम आदमी जो हमारे और भी लोग हैं जो बसों में सफ़र करते हैं, वो बसों की किराया उन्होंने जो पहले 65 रुपये थे आज वो 15 रुपये है, लेडीज़ों के पास है, फ्री है। तीन चीज़ों के बदलाव देखते हुए उत्तराखंड में अब जो केजरीवाल ने कदम रखा है, चाहे वो जीते हैं ना जीते, लेकिन हमारा वोट उधर ही जाएगा। अच्छा, लग पाता है कि, लगता है कि उत्तराखंड में कर पाएंगे वो ऐसा? मेरे तरफ से तो लगता है कि 99% केजरीवाल आने का। अच्छा, और बाकी लोगों का मुझे नहीं कहना, लेकिन मेरा सुझाव यही है कि केजरीवाल ही आना है। आपका क्या विचार है केजरीवाल जी के बारे में? देखो मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में। अच्छा, कुछ नहीं कह सकते? नहीं। अंकल जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बोलो भैया। हमें क्या कहना, हमें तो बस यही कहना है भैया, महंगाई थोड़ी कम हो जानी चाहिए। अच्छा, महंगाई से हम लोग बहुत परेशान हैं। अच्छा, महंगाई से परेशान है? बहुत परेशान है। क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? भाई यही डीजल का दाम बढ़ गया है, उस हिसाब से हम लोग किराया लेते हैं तो कोई किराया नहीं देता, झगड़ा करने के मारने मिलने तैयार हो जाते हैं। अच्छा, हम लोग आए दिन डेली झगड़े कर रहे हैं आजकल।
क्योंकि डीजल 90 रुपये लीटर तक पहुँच गया है और किराया हमारा वही पहले वाला है। आज जो एक साल पहले जो किराया था वही किराया है। हम लोगों का पैसा कुछ नहीं बच रहा है, जो कमाते हैं डीजल में चला जाता है। अच्छा हाँ जी, केजरीवाल जी ने कहा है कि 5000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, इसको लेके आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी भत्ता देंगे, अभी तो यहाँ आए नहीं, अभी तो पते नहीं लगा, जब यहाँ आएंगे तब देखेंगे बेरोजगारी भत्ता देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अभी इस बार तो दिल्ली में है, दिल्ली में दे रहे हैं। अच्छा, इस बार बदलाव पक्का है या? बदलाव तो होना ही चाहिए, क्योंकि बदलाव एक बार होना चाहिए, क्योंकि सरकार को भी सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या उत्तराखंड क्रांति दल? मैं तो यही कहूँगा केजरीवाल आ जाए ज़्यादा अच्छा, क्योंकि दिल्ली को मैं देख रहा हूँ जिस तरह से वहाँ व्यवस्था है, मैं हमें बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर। अच्छा, आप जाते रहते हो दिल्ली? हम दिल्ली तो नहीं जाते हैं, मेरा लड़का वहाँ पर रहता है, वो बताता रहता है। अच्छा हाँ, कि व्यवस्था यहाँ बहुत बढ़िया है, हर गली गली मेडिकल स्टोर खोले हैं, कोई दवा नहीं, पैसे कोई नहीं देना है, उसके बाद औरतों को वहाँ किराया भी नहीं पड़ रहा है दिल्ली के अंदर में चलने के लिए। और भी कई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था, सब सही है। अच्छा, बीजेपी डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, कितना काम करा है? काम तो देखो, कोई भी सरकार आएगा अपने स्तर से सारे काम करते हैं, ये नहीं है कोई सरकार कहती हम काम नहीं किया, अपने अपने हिसाब से अपने स्तर से सारे काम करते हैं। अब यही जनता किसी से ज़्यादा खुश रहती है, किसी नाराज रहती है, बस काम तो सारे लोग करते हैं, अपने हिसाब से सब करते हैं काम, हम किसी को नहीं कि कोई काम नहीं किया, अपने हिसाब से सारी सरकार काम करती है। अच्छा, क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? समस्या यही है, बिजली पानी सही हो जाए, रेट थोड़ा किराया भाड़ा सही हो जाए, हम लोगों का जो ये डीजल है पेट्रोल है महंगाई कम हो जाए, और हमारी क्या समस्या भैया? अच्छा, और कुछ समस्या? बाकी जो रोड बनेगा सबके लिए बनेगा, हमारे लिए भी बनेगा। अच्छा, और कोई काम सरकार करेगी सबके लिए करेगी, है हम लोग तो गरीब आदमी हैं, ऑटो चलाते हैं, ऑटो से हम लोगों का पूरा नहीं पड़ रहा इस महंगाई देख के, हम जो कमाते हैं डीजल में चला जाता है, बचता नहीं शाम को पैसे। अच्छा, जो धामी जी अभी मुख्यमंत्री बने उत्तराखंड के, वो नए नए वादे कर रहे हैं, और वादे तो कर रहे हैं लेकिन अभी धरती उतरेगा तभी पता लगेगा ना, समय नहीं है ना, वादे तो कर रहे, वादा तो हो रहा ना, अभी जब धरातल पर उतरेगा तब पता लगेगा ना क्या वादा सही है क्या गलत है, वादा तो बहुत हो रहा है। महीने में क्या कर लेंगे? अभी तो हम लोगों को ये बोले कि ड्राइवरों को 12000 रुपये कितना मिलेगा, 12000 अभी तो आया नहीं खाते में, गाड़ियों का टैक्स माफ़ होगा वो अभी नहीं माफ़ हुआ, अभी जियो नहीं आई क्या जाने हम, जब हम लोगों को फ़ायदा मिलेगा तब हम जानेंगे, अभी तो कोई फ़ायदा ही नहीं मिला, बस वादे ही हुए हैं। अच्छा, वादे हुए हैं सिर्फ, बस वादे हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ उनसे। अच्छा, और कुछ कहने चाहिए कांग्रेस पार्टी के बारे में, क्या कहेंगे? इससे पहले कांग्रेस पार्टी थी भाई, कांग्रेस भी वही मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि मतलब पार्टी कोई भी आती है अपने हिसाब से सारे काम करते हैं। अच्छा, अब उनका हिसाब कुछ और है, भाजपा कुछ और है, कोई किसी से पसंद है कोई किसी को पसंद कर रहा है। तो ये थे कुछ ऑटो रिक्शा चालक, और इनसे हमने बात करी और इनसे जाना कि उत्तराखंड में आखिर कौन आने वाली है 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसी तमाम न्यूज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए, मैं हूँ सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और भैया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, अपना विचार कुछ भी बोल जाइए। आ जाइए, मैं एक हफ्ते से यहाँ, मुझे क्या बताया यहाँ के बारे में। अच्छा, तो अपना मतलब थोड़ा चलो, हो गया कोई बात नहीं। तो आपने देखा ये संवाद मेरा 2022 के विधानसभा चुनाव पे, और उत्तराखंड में कितना विकास करा है बीजेपी ने, और क्या चाहती है जनता, क्या चाहते हैं ऑटो रिक्शा चालक, क्या चाहते हैं यहाँ के युवा। तो ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहिए रैंकर्स न्यूज़ के साथ, मैं हूँ सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।